वेलकम टू आदित्य किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी डिलीशियस दही वड़ा। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप उड़द दाल और 1/4 कप मूंग की दाल। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और 500 ml पानी में भिगो के 3 से 4 घंटा रख दीजिए। चार घंटे बाद दाल को अच्छे से छान लीजिए, उसमें जो भी पानी है वो निकाल दीजिए। अब थोड़ा सा पानी डाल के दाल को अच्छे से क्रश कर लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। दाल को क्रश करते वक्त कम से कम पानी डालें ताकि बैटर पतला ना हो जाए, हमें थोड़ी गाढ़ी पेस्ट चाहिए। दाल पीसते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल भी करकरी नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बननी चाहिए ताकि वड़ा बहुत ही सॉफ्ट बने। क्रश किए हुए बैटर को हम एक बाउल में निकाल देंगे, उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा बर्फ डालेंगे, इसमें 3 से 4 आइस क्यूब डालेंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। विस्कर लेके हमें इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और 10 से 12 मिनट कंटिन्यूस इसको हिलाते रहना है ताकि हमारा बैटर एकदम फ्लफी बन जाए और वड़ा जब बने तो इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाओगे आपको फर्क महसूस होगा, बैटर एकदम फ्लफी होता जाएगा। देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक काटी हुई हरी मिर्ची 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चॉप की हुई किशमिश और 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वड़ा भिगोने के लिए हम एक पानी बनाएंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम 1.5 कप पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और 1 चम्मच दही डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी में वड़े भिगोने से इसकी फ्लेवर बहुत ही एनहांस होती है और हींग से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम वड़ों को फ्राई करेंगे, इसको हम मीडियम हॉट ऑयल में पिंक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दही वड़े के लिए जो वड़े हम बना रहे हैं उसकी साइज हम थोड़ी बड़ी रखेंगे। दही वड़ा एक ऐसी रेसिपी है जो हर सीजन में बन सकती है और सबको पसंद आता है। अब हमारे वड़े तैयार है, हम इसको मसाला वाले पानी में भिगो के 5 मिनट तक रखेंगे। इस
इसके बाद हम मैंने यहाँ पे जो दिखाया है इस तरह से स्क्वीज करके सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। अब हम एक बाउल में 1.5 कप जितना दही लेंगे। दही हम ठंडा लेंगे। इसमें 2 चम्मच हम पाउडर शुगर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से फेंट लीजिए। यहाँ पे शुगर और नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम दही वड़े को सर्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें वड़े रखेंगे। इसके ऊपर हमने जो तैयार किया है वो ठंडा वाला दही रखेंगे। यहाँ पे हम जो दही का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम खजूर और इमली की चटनी डालेंगे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला एंड रोस्टेड जीरा पाउडर। अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे बारीक काटा हुआ हरा धनिया। अब हमारे दही वड़े तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसका फीडबैक मुझे जरूर से भेजिए। आदित्य किचन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।